हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे डोलोराइट के ऊपर, मतलब डोलोराइट जो रॉक है, इग्नियस रॉक, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। उसका प्रॉपर्टी क्या रहेंगे, उसको अगर हम क्लासिफाई करेंगे किस किस बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे, या फिर उसका वेराइटी क्या रहेगा, उसका मिनरोलॉजिकल कम्पोजिशन क्या रहेगा, ऑकरेंस क्या रहेंगे उसके, सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट डोलोराइट। तो बात करते हैं जब डोलोराइट की, उसका नेचर जो हाइपरबेसल है और वो जो बेसिक टू अल्ट्रा बेसिक में वो रहेगा, ठीक है। सिलिका कंटेंट मीन्स, यहाँ पर बेसिक टू अल्ट्रा बेसिक मीन्स सिलिका कंटेंट कहीं ना कहीं 55 से 45 में रहेगा या फिर लेस देन 45 रहेगा। बात करते हैं जब बेसिक रॉक का, बेसिक रॉक में आपको सिलिका कंटेंट देखने को मिलेगा 45 to 55, ठीक है। किसी किसी बुक में आपको यहाँ पर 52 देखने को मिलेगा, तो ये रहेगा जो बेसिक का। बट अल्ट्रा बेसिक का जो रहेगा वो लेस देन 45 रहेगा, ठीक है। अल्ट्रा बेसिक में जो सिलिका कंटेंट रहेगा, SiO2 कंटेंट, वो लेस देन 45% रहेगा। दैट्स व्हाई हम इसे बोल रहे हैं बेसिक टू अल्ट्रा बेसिक। जी मतलब डोलोराइट में आपको अगर सिलिका कंटेंट भी देखने को मिलेगा तो 45 से लेस रहेगा या फिर 45 to 55 रहेगा। दैट्स व्हाई हम बोल रहे हैं बेसिक टू अल्ट्रा बेसिक, ये वेरी करता है डोलोराइट। और ये जो रहेगा हाइपरबेसल मीन्स इंटरमीडिएट स्टेट में ये फॉर्म होगा, क्रिस्टलाइज होगा। अगर ये अर्थ का सरफेस है तो ये ऊपर जो फॉर्म हो रहा है उसे हम बोल रहे हैं एक्सट्रूसिव या फिर वोल्कनिक, और ग्रेटर डेप्थ में जो हो रहा है उसे हम बोल रहे हैं प्लूटोनिक। बट दो किलोमीटर के रेंज के अंदर जो भी फॉर्म होगा उसे हम बोलेंगे हाइपरबेसल रॉक। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट स्टेज में हो रहा है, इंटरमीडिएट स्टेज में हो रहा है तो ऑब्वियसली इसका जो स्ट्रक्चर रहेंगे उसमें क्रिस्टलिनिटी की बात कीजिए या फिर ग्रानुलारिटी की आप बात कीजिए, वो भी इंटरमीडिएट स्टेज में रहेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट डोलोराइट का कलर इंडेक्स क्या रहेगा, डोलोराइट का अगर बात करते हैं कलर इंडेक्स का, तो ये रहेगा मेलानोक्राटिक या फिर आप उसे बोल सकते हो डार्क कलर। ऑब्वियसली डार्क कलर इसलिए क्योंकि इसका जो कलर इंडेक्स है वो वेरी करेगा 61 to 100। 61 to 100 रहेगा तो ऑब्वियसली उसे हम मेलानोक्राटिक बोलते हैं। तो इसका कलर इंडेक्स जो रहेगा मेलानोक्राटिक। अब देखेंगे अगर टेक्स्चर का, तो देखिए हेमी क्रिस्टलाइन है, ठीक है। हेमी मीन्स ये भी इंटरमीडिएट स्टेट में है। फुल्ली अगर क्रिस्टल रहेगा तो हम उसे बोलते हैं क्रिस्टलाइन, और अगर क्रिस्टल फुल्ली नहीं रहेगा, ग्लासी रहेगा, तो हम उसे बोलते हैं होलोहेलिन। बट ये बीच में रहेगा, ग्लासी भी नहीं रहेगा, फुल्ली क्रिस्टल भी नहीं रहेगा। दैट्स व्हाई हम बोल रहे हैं इसे हेमी क्रिस्टलाइन। अब ये हेमी क्रिस्टलाइन कैसे हुआ, ये तो यहीं से पता चल रहा है हाइपरबेसल टर्म से। हाइपरबेसल मीन्स इंटरमीडिएट में बन रहा है, इंटरमीडिएट में अगर ये सॉलिडिफिकेशन हो रहा है तो ऑब्वियसली इंटरमीडिएट स्टेज का टाइम मिलेगा इसे क्रिस्टल को, मिनरल ग्रेन को, कॉन्स्टिट्यूएंट मिनरल ग्रेन्स को ग्रो करने के लिए। ग्रो करने के लिए क्रिस्टल को या फिर मिनरल ग्रेन को अगर इंटरमीडिएट स्टेट का टाइम मिलता है तो वो इंटरमीडिएट स्टेट में रहेंगे अभी। दैट्स व्हाई यहाँ पर उसका जो क्रिस्टलिनिटी रहेगा हेमी क्रिस्टलाइन। अब बात करते हैं अगर ग्रानुलारिटी की, तो फाइन टू मीडियम ग्रेन में ये वेरी करेगा, ठीक है। फाइन ग्रेन नहीं तो मीडियम ग्रेन, कोर्स ग्रेन नहीं दिखाएगा क्योंकि कोर्स ग्रेन तो प्लूटोनिक रॉक दिखाता है, ये इंटरमीडिएट में 2 किलोमीटर के रेंज में। तो फाइन से मीडियम के अंदर ये वेरी करेगा, कभी मीडियम हो सकता है, फाइन रह सकता है, या फिर इन दोनों के बीच में ग्रानुलारिटी। बात करते हैं नेक्स्ट जो है इन इक्यू ग्रानुलर, मतलब ग्रानुलर उसका जो मिनरल के कंस्टिट्यूट ग्रेन्स है उसमें भी आपको इक्वल मतलब देखने को नहीं मिलेगा, कोई छोटा कोई बड़ा, मतलब इक्वालिटी आपको देखने को नहीं मिलेगा मिनरल ग्रेन में, क्रिस्टल में। दर्स हम इसे बोल रहे हैं इन इक्यू ग्रानुलर। इन इक्यू ग्रानुलर में भी ये रहेगा पोर्फिरिटिक, ठीक है। इन इक्यू ग्रानुलर में भी बहुत टाइप के हैं, पोर्फिरिटिक, पोइक्लिटिक, होलो ट्राचाइट आप बोल सकते हो, पोर्फिरिटिक, पोइक्लिटिक, ट्राचाइट, सबोफिटिक, ठीक है। तो इस टाइप के इनके ग्रानुलर में भी बहुत टाइप के टेक्सचर है, तो उसमें से भी ये दिखाएगा पोर्फिरिटिक, मतलब पोर्फिरिटिक मीन्स फेनोक्रिस्ट को सराउंड करके रहेंगे स्मॉलर ग्राउंड मास। स्मॉलर जो रहेगा फेनोक्रिस्ट वो लार्ज रहेगा, फेनोक्रिस्ट जो लार्ज क्रिस्टल रहेगा और ग्राउंड मास स्मॉल, ठीक है। जैसे हम इसे इसीलिए हम बोल रहे हैं इनक्यू ग्रानुलर, मतलब यहाँ पर जो अगर इसके ग्रेन में कहीं ना कहीं वेरिएशन आएगा, कोई बड़ा ग्रेन रहेगा तो कोई छोटा ग्रेन रहेगा। जैसे हम बोल रहे हैं इन इक्यू ग्रानुलर, मतलब इक्वालिटी नहीं रहेगा, और बड़ा ग्रेन को हम बोलेंगे फेनोक्रिस्ट और छोटा ग्रेन को हम बोलेंगे ग्राउंड मास। तो यहाँ पर पोर्फिरिटिक मीन्स जो बड़ा ग्रेन है वो ग्राउंड मास के द्वारा सराउंड होने को दिखेगा, मतलब सराउंड होकर रहेगा, तभी हम इसे बोल रहे हैं पोर्फिरिटिक। बात करते हैं जब डोलोराइट की मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन का, तब देखते हैं इसमें एसेंशियल मिनरल क्या है और एसेसरी मिनरल इसमें क्या है। तो बात करते हैं जब एसेंशियल मिनरल की, तो इसमें देखिए कैल्सिक प्लाजियोक्लेज आपको देखने को मिलेगा, ओगाइट मिलेगा, और ओगाइट अगर आप देखेंगे नियर अबाउट 50% ऑफ मतलब रॉक का मास में कंटेंट रहेगा, मतलब रॉक में 50% आपको ओगाइट ही देखने को मिलेगा। तो ओगाइट बहुत ही ज़्यादा डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक है आइडेंटिफाई करने के लिए डोलोराइट को, ठीक है। तो इसका एसेंशियल मिनरल है कैल्सिक प्लाजियोक्लेज और ओगाइट, उसमें से भी ओगाइट 50% आपको देखने को मिलेगा रॉक में, ठीक है। रॉक का जो 50% जो फॉर्म है वो ओगाइट ही ले लेगा।
बात करते हैं एसेसरी मिनरल की। एसेसरी मिनरल में आपको देखने को मिलेगा ओलिविन, आयरन ऑक्साइड और एम्फीबॉल। और इसका कुछ वेराइटी है, डोलेराइट का वेराइटी देखते हैं। इसका जो अल्टर्ड फॉर्म है डोलेराइट का वो डॉल ग्रीन कलर का है, उसे ही हम बोल रहे हैं डायाबेस। ठीक है, डोलेराइट का एक अल्टर प्रोडक्ट है, ठीक है, और वो उसका कलर जो रहेगा अल्टर प्रोडक्ट का वो डॉल ग्रीन कलर का रहेगा, और उसे ही हम बोल रहे हैं डायाबेस। आप देख सकते हैं ये सेंटेंस, अन अल्टर्ड फॉर्म ऑफ डोलेराइट दैट हैज़ ए डॉल ग्रीन कलर, ठीक है, डॉल ग्रीन कलर रहेगा मैं बोला, और इसे ही हम बोल रहे हैं डायाबेस। ठीक है, मतलब डायाबेस इसका अल्टर्ड वेराइटी है जिसका कलर जो रहेगा डॉल ग्रीन दिखाएगा। ठीक है, तो आप देखते हैं डोलेराइट का इक्विवेलेंट क्या है, ऑकरेंस क्या है। ठीक है, तो अगर इक्विवेलेंट की बात करते हैं, प्लूटोनिक इक्विवेलेंस इसका जो रहेगा वो रहेगा गैब्रो, और वोल्कानिक जो रहेगा बासाल्ट। अब प्लूटोनिक मीन्स क्या है, वोल्कानिक मीन्स क्या है, अब डोलेराइट तो हाइपरबेसल था। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट मैं समझा देता हूँ। ये अगर अर्थ का सरफेस है, अर्थ के सरफेस के ऊपर जो भी वोल्कानिज्म होगा, जो भी सॉलिडिफिकेशन होकर रॉक बनेगा, उसे ही हम बोल रहे हैं वोल्कानिक रॉक। ये देखिए अर्थ के सरफेस के ऊपर जो भी रहेगा इसे हम बोलेंगे वोल्कानिक। ठीक है, बट जो 2 किलोमीटर के रेंज में आएगा, 2 किलोमीटर के अंदर अगर, तो इसे हम बोलेंगे हाइपरबेसल्ट। और 2 किलोमीटर के बाद मतलब बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में, 20 किलोमीटर के बाद जो आपको देखने को मिलेगा उसे हम बोल रहे हैं प्लूटोनिक। बट ये तो डोलेराइट हमारा हाइपरबेसल्ट है, मतलब ये जगह पे है। बट इसी कंपोजिशन का अगर मैग्मा या फिर जो भी मटेरियल है मोल्टन मटेरियल, इसी कंपोजिशन का अगर यहाँ पर आके सोलिडिफिकेशन होता है, तो मतलब इसी टाइप का मैग्मा, इसी टाइप का जो लावा यहाँ आ जाएगा, तो हम उसे लावा बोलेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं मोल्टन मटेरियल। इसी कंपोजिशन का मतलब कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा सिमिलरिटी रहेंगे इस दोनों में। तो यही चीज़ अगर आके अर्थ के सर्फेस के ऊपर अगर होता है, तो उसे हम बोलेंगे वोल्कानिक, और उसे ही हम बोल सकते हैं बसाल्ट। ठीक है, दैट्स व्हाई हम इसे बोल रहे हैं इसका इक्विवेलेंट है। और अगर यही चीज़ बहुत ही ज़्यादा ग्रेटर डेप्थ में सोलिडिफिकेशन हो रहा है, तो इसे हम बोल सकते हैं गैब्रो। ठीक है, दैट्स व्हाई हम बोल रहे हैं प्लूटोनिक इसका इक्विवेलेंट। तो इसका प्लूटोनिक इक्विवेलेंट रहेगा गैब्रो, और वोल्कानिक जो रहेगा बसाल्ट। और हाइपरबेसल्ट में आपने ये डोलेराइट ही है। अब बात करेंगे अगर यहाँ पर प्लूटोनिक में अगर आपको देखने को मिल रहा है गैब्रो, और वोल्कानिक में आपको देखने को मिल रहा है बसाल्ट। ठीक है, और यहाँ पर आपको भी देखने को मिल रहा है डोलेराइट। ये डोलेराइट, बासाल्ट, गाब्रो। अब हम मैं अगर बोलूँगा ऑब्वियसली गाब्रो का हाइपरबेसल इक्विवेलेंट क्या है, तो आप ऑब्वियसली आंसर दोगे डोलेराइट। इसीलिए मैं अब अगर इसी को रिपीट करूँगा, डोलेराइट का अगर प्लूटोनिक इक्विवेलेंट क्या है, तो गाब्रो ऑब्वियसली होगा। इसी तरह अगर गाब्रो का वोल्कानिक इक्विवेलेंट क्या है, तो बसाल्ट। बसाल्ट का अगर हाइपरबेसल इक्विवेलेंट क्या है, तो डोलेराइट। तो ये तीनों के कहीं ना कहीं सेम टाइप के हैं, ये तीनों इक्विवेलेंट है, डिफरेंट डिफरेंट हुआ है। कोई प्लूटोनिक किसी का है, कोई वोल्कानिक है, कोई हाइपरबेसल इक्विवेलेंट है। अब इसका देखते हैं डोलेराइट का ऑकरेंस क्या क्या है, कहाँ कहाँ वो मिलता है। तो जनरली अगर आप डोलेराइट को देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो सील और डाइक के रूप में आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा डोलेराइट। और ये नेक्स्ट उसका जो ऑकरेंस है वो आपको देखिए सिंहभूम रीजियन, ठीक है, सिंहभूम रीजियन ऑफ साउथ बिहार। साउथ बिहार का सिंहभूम रीजियन में आपको ये देखने को मिलेगा, या फिर आप बोलते हैं द सिंहभूम ग्रानाइट। देखिए, इन द सिंहभूम रीजन ऑफ साउथ बिहार, साउथ बिहार बिहार का सिंहभूम रीजन में भी आपको ये देखने को मिलेगा, या फिर आप बोल सकते हो द सिंहभूम ग्रानाइट्स आर बाय न्यूमेरस डाइक। ठीक है, या फिर जो सिंहभूम ग्रानाइट है, जो बिहार का जो साउथ रीजन में है, वो बहुत ही ज़्यादा डाइक के द्वारा ट्रैवर्स्ड है, तो उसे ही हम बोल रहे हैं डोले। वो जो डाइक उसमें जो है, ये देखिए स्टार्टिंग में यहाँ पर बोला गया सील या फिर डाइक के रूप में देखने को मिलेंगे। और स्पेशली जो सिंहभूम रीजन का, साउथ बिहार का रीजन में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में, या फिर ये जो सिंहभूम ग्रानाइट एक सेशन है, वो डोलेराइट उसमें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में डोलेराइट के कंपोजिशन के डाइक पेनिट्रेट है। ठीक है, तो ये देखिए न्यूमेरस डाइक हुई चार मेनली डोलेरिटिक। ठीक है, डोलेरिटिक कंपोजिशन का है, तो इसे इसीलिए हम इसे नेम भी करते नेमिंग भी करते न्यूअर डोलेराइट सीरीज। ठीक है, तो उसी रीजन को या फिर उसी सेशन को, उसी सीरीज को हम बोल रहे हैं न्यूअर डोलेराइट सीरीज। तो डोलेराइट कंपोजिशन की वजह से उसका नेमिंग भी आ गया डोलेराइट। तो ये था ऑल अबाउट ऑकरेंस, इक्विवेलेंट, स्ट्रक्चर, टेक्सचर, वेराइटी, सब कुछ था ऑल अबाउट डोलेराइट। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में भी आप SMS कर सकते हैं। टेलीग्राम का एक ग्रुप है हमारा चैनल का, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दिया हूँ। आप वहाँ पर भी आप अपने क्वेश्चन, कुछ भी डाउट क्वेश्चन हो, आप वहाँ पर भी
पूछ सकते हैं। थैंक यू।